खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां सूबे के बड़े अपराधियों के लिए खुली हवा में सांस लेना अब बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रोड मैप भी तैयार कर लिया है। हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने जेल मंत्री धर्मवीर प्रजाति से इस मौके पर खास बातचीत की है, आइए सुन पाते हैं। यूपी में बड़े अपराधी अब बाहर की दुनिया नहीं देख सकेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही होगी मुलाकात। बातचीत करने के लिए धर्मवीर प्रजापति जो कार्यक्रम मंत्री हैं, मंत्री जी क्या है? देखिए, बहुत अच्छा साहसिक विचार माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि बड़े अपराधियों को बाहर ले जाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी व्यवस्था हम लोगों को करनी पड़ती थी, और उनकी दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत अच्छा कदम है। हम इस पे अपने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठ करके से विचार कर रहे हैं और किस तरह से प्रभावी हो सकता है, किस तरह से अच्छा हो सकता है, क्या क्या आवश्यकताएं रहेंगी, किन जेलों में लगाना है और न्यायालय में देखना है कहाँ कैसी व्यवस्था है, वो सब विचार करके से तब आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी, मैनपुरी चुनाव कितना कठिन देख रहे हैं? कोई कठिन नहीं, हम तीनों चुनाव जीतेंगे, तीनों उपचुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से प्रचार कर रही है, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव वगैरह, उनका काम है, उनके उनके परिवार की, अखिलेश जी की पत्नी स्वयं चुनाव लड़ रही है तो वो तो करेंगे ही, वो करना चाहिए। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आप मैनपुरी कब जाएंगे? लेकिन तीनों जीतेंगे हम। आप मैनपुरी कब जाएंगे? हम भी जा रहे हैं, दो दिन हम भी यहाँ रहेंगे, रामपुर भी जाएंगे, ऐसे ही कार्यक्रम हम लोगों का भी लगाए और मैं स्वयं जाऊंगा। मैनपुरी समाजवादी पार्टी की सियासत की विरासत है, जिसको बचाने के लिए लगातार सभी लोग लगे हुए हैं, तो क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी में इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां उस गढ़ में अपना झंडा फहरा पाएगी? आप लोग ही कहते थे कि आजमगढ़ सपा का गढ़ है और रामपुर सपा का गढ़ है, हम जीते, गढ़ जनता का है, किसी का नहीं है, और जनता ने हमारे ऊपर भरोसा किया है और हमें आज भी उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा है कि वो हमारे ऊपर फिर भरोसा करेगी। तो आप देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ धर्मवीर प्रजापति मंत्री, जिनका सीधे साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ मैनपुरी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर परचम से अपना झंडा लहराने जा रही है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ मैं अविनाश, एमके न्यूज लखनऊ।